सो हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, होप आप सब बहुत ही अमेजिंग है। टेलीपैथिकली अपने मैसेजेस किसी पर्सन तक कैसे भेजते हैं या किसी ग्रुप तक कैसे भेजते हैं, इससे आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं, अपनी रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं। इवन अगर आप ब्लॉक्ड हैं, अगर आपका रिलेशनशिप किसी के साथ बेहतर नहीं चल रहा है, तो इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग ऑलरेडी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं, बट एग्जैक्टली जैसे हम टेलीपैथिकली अगर अपने मैसेज वहाँ तक पहुँचाने चाहते हैं, उनके बैड हैबिट्स हो गया, किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, सक्सेस ग्रोथ करना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि वो हमारी बात सुने, तो इन मेथड का यूज़ करिए, डेफिनेटली वर्क करते हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग आप सबके डिमांड से आई है, और जो भी लोग हमारी चैनल के नोटिफिकेशन नहीं आ रहे तो सब्सक्राइब के साथ साथ भी बेल आइकन जरूर क्लिक करना है, जिसमें हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच गए। चलिए जानते हैं आज की वीडियो में क्या खास है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश ट्रो। लाइफ प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को अपनी बात समझाना चाह रहे होते हैं, वो नहीं समझ रहा होता है, या लो वाइब्रेशन पे होता है, किसी की बैड हैबिट्स होती हैं, जैसे सुबह उठ नहीं रहा, वैसे थोड़ा बहुत कभी कभी सोना ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अगर उसकी बैड हैबिट है या किसी तरह के ड्रिंकिंग की बैड हैबिट है या अवेकन नहीं है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, या आप उसको सुधारना चाह रहे हो वो नहीं सुधर रहा है, तो टेलीपैथी का इसमें यूज़ करिए। बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, जैसे हम पीछे आपको दिख रहा हो काफ़ी सारी चिट लगी होंगी, एक्चुअली ये मैसेज हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं, और जो डेली में कहीं ना कहीं आप लोगों से कनेक्ट रहता हूँ, आप लोग मुझे बताते हैं, मैं बहुत सारे नोट्स बना के ऐसे रखता हूँ क्योंकि मुझे कौन सा काम पहले करना है। उसी तरीके से आप भी बहुत सारी चीज़ों को बहुत सीक्वेंसली कर सकते हो, और टेलीपैथी जिसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप टेलीपैथी का यूज़ करेंगे तो अपने मैसेज को किसी ग्रुप तक भेज सकते हैं, किसी के माइंड तक भेज सकते हैं, वो आपकी ज़रूर बात मानेगा। दोस्तों ये मैथड कभी भी गलत सेंस में यूज़ नहीं करना है, ये मैथड हमेशा पॉजिटिव सेंस में काम करना है। जैसे रेकी हो गया, रेकी ऊर्जा हमेशा सकारात्मक सेंस में काम करती है। अगर आप किसी का भला चाहते हैं, किसी को अच्छी चीज़ें सिखाना चाहते हैं, अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में बेटर नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को बहुत आराम से ठीक कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, सोलमेट कनेक्शन हो, या कार्मिक अटैचमेंट हो, उनको भी इम्प्रूव किया जा सकता है इस टेलीपैथी मेथड से। इसमें स्टेप बाई स्टेप मैं बता रहा हूँ, आप भी अप्लाई करिएगा। सबसे फर्स्ट स्टेप पर आपको क्या करना है, कम्प्लीट पीस ऑफ माइंड पे आपको जाना है हर लेवल से। पहले योगा करिए, स्ट्रेचिंग करिए 5-10 मिनट आराम से, जब आपको ये प्रोसेस करने जा रहे हैं। सुबह का टाइम बेस्ट है सबसे, और रात के टाइम भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। जिसको मॉर्निंग टाइम नहीं मिल रहा है तो रात के टाइम भी डेफिनेटली कर सकता है। तो बॉडी को कम्प्लीटली स्ट्रेच करिए, थोड़ा सा वर्कआउट करिए, हल्का सा वर्कआउट करिए 10-15 मिनट का, उसके बाद मेडिटेशन में बैठ जाइए। मेडिटेशन में आप जब बैठेंगे, ये योग निद्रा में बैठेंगे, पीस ऑफ माइंड में आप जाएंगे। मैंने कई लॉ ऑफ वाइब्रेशन के नियम बताएं, उसके साथ ही आपको हायर वाइब्रेशन मेडिटेशन भी कराया है, आप वो मेडिटेशन भी कर सकते हैं जो प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है। उस मेडिटेशन को करेंगे जब आप कुछ देर तक, तो आपकी फ्रिक्वेंसी हाई हो जाएगी, आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। उसमें जब आप पीस ऑफ माइंड फील करते हैं, केवल तभी आप अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं, दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, और अपनी सारी बात को मनवा सकते हैं। दूसरे स्टेप पे आपको अपने ध्यान को थर्ड आई पे लेके आना है, क्योंकि आप एक्चुअली दूसरे से आज्ञा मनवाने जा रहे हैं। कोई सकारात्मक, जैसे किसी की बैड हैबिट है, वो ड्रिंकिंग करता है, या बैड हैबिट है, वो इधर उधर बात करता है, बहुत कंफ्यूज है करियर को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, तो आप पहले छोटी टारगेट दे अपने आप को कि आपको एक्चुअली छोटी छोटी बातें मनवानी है, फिर बड़ी बात जो उसकी प्रॉब्लम हो उसको मनवानी। तो पहले आपको प्रैक्टिस खुद करनी होगी ये चीज़ करने के लिए। इवन मैं आपको ये बताऊं कि थर्ड आई ये प्रोसेस इतना ज़बरदस्त तरीके से काम करता है, अगर आप कोई पर्सन आपके सामने बैठा हो, अगर आप किसी की थर्ड आई की तरफ देख के कोई बात कहते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांस है 80-90% वो आपकी बात मान ले। इवन आप इधर उधर देख के उसको बात बोलते, बहुत सारे लोग नहीं मानते कि उसकी आंखों में देख रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप उसकी थर्ड आई को देखें। अगर वो पीछे की ओर है, आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा, कोई पर्सन जा रहा हो, आप किसी पर्सन को बहुत ध्यान से देख रहे होंगे, उसके सर के पीछे देख रहे होंगे, तो पलट के आपको बैक जरूर देख लेगा, उसको रियलाइजेशन हो जाता है कि कोई मुझे पीछे से देख रहा है। ऐसा आपके साथ भी काफ़ी बार हुआ होगा। आज्ञा चक्र, थर्ड आई वन ऑफ द मोस्ट सेंसिबल और ट्रांसफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपेसिटी वाला होता है। जैसे आप कोई भी मैसेज जब संप्रेषित करते हैं, जैसे कोई भी मैसेज आप भेजते हैं, तो उसमें थर्ड आई का यूज़ होता है। तो सेकेंड स्टेप पे, जैसे मैंने कहा,
आप पीसफुलनेस के स्टेज में जाना है, सबसे पहले योगा एक्सरसाइज ध्यान करना है। जब आपका कंप्लीट माइंड पीसफुलनेस स्टेज में चला गया, सेकेंड स्टेज पे उससे कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, आपको थर्ड आई से उसके थर्ड आई की कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट को अप्लाई करते करते आप काफ़ी बार फील करेंगे, आपके पूरे प्रोसेस होने से पहले ही अगर आपने कोई मैसेज लिया है तो पूरा होने लगेगा। सेकेंड स्टेप पे आपको कनेक्शन फील होना चाहिए, कॉर्ड एक वाइट लाइट किसी तरह की विजुलाइजेशन करिए जिसमें आप उस पर्सन से कनेक्टेड हैं, आप फील कर पा रहे हैं कि आप उसकी एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, आप उसकी एनर्जी को सेंड कर पा रहे हैं, अपनी एनर्जीज को उसके तक सेंड कर पा रहे हैं। इस बेसिक सेकंड स्टेप है। इस प्रोसेस को करने के बाद हम आ जाते हैं थर्ड स्टेप पे। अब हमको स्ट्रांगली बिलीव करना है वो मैसेज उसकी भलाई के लिए होना चाहिए और आपकी भलाई के लिए होना चाहिए। आप ये जानते हो कि इस मैसेज से उसका लॉस नहीं है, ये मैसेज ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके फ़ायदे की चीज़ हो रही है वही आपको सेंड करना है, तब ये प्रोसेस उतना अच्छे से काम नहीं करता। लेकिन अगर जो आप मैसेज सेंड कर रहे हैं उसकी भलाई का वो किसी इल्यूजन के कारण या नज़र लगने का साइकिक अटैक के कारण आपकी बात नहीं सुन रहा है, को आपसे दूर है या आपका ट्विन फ्लेम है, आपका सोलमेट है, तो डेफिनेटली अगर कार्मिक कनेक्शन है तभी भी अपने कॉर्ड को इस तरह से कट भी कर सकते हैं आप। आपने एक कनेक्शन इस्टेब्लिश किया सेकंड स्टेप पे, थर्ड स्टेप पे उस स्ट्रॉन्ग मैसेज को पहले एक पेपर में लिख लीजिए कि आपको क्या क्या बोलना है, राइट आप उसी मैसेज को अच्छे से शॉर्ट में लिख लीजिए, उसको रिपीट करिए। आई वॉन्ट टू शेयर माई फीलिंग, मैं चाहता हूँ कि सामने वाला मेरे से अच्छे से रिस्पॉन्स करे, मैं चाहता हूँ सामने वाला मेरे से अच्छे से रिस्पॉन्स करे, मैसेज का रिस्पॉन्स करे। आप देखेंगे इसका बहुत अमेजिंग इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर आपके हार्ट चक्र की ब्लॉकेज नहीं है, अगर आपके लोअर चक्रों की ब्लॉकेज नहीं है, सैक्रल चक्र की ब्लॉकेज नहीं है, तो आप डेफिनेटली आप इन चीज़ को और ज़्यादा सेंसिबल तरीके से करेंगे, बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से करेंगे, इसका इम्पैक्ट 2-3 दिनों में आने लगेगा। अगर आपको ब्लॉकेजेस हैं तो पहले अपनी हीलिंग करिए, अपने आपको कार्मिक एनर्जीज को रिलीज़ करिए। दोस्तों जो मैंने काफ़ी बार मेडिटेशंस कराए उन मेडिटेशंस को कर सकते हैं, उसके बाद इस प्रोसेस को करिए और डेफिनेटली डिवाइन यूनिवर्स आपका हेल्प करेगा और आप भी उस मैसेज को दूसरे की लाइफ को ग्रोथ प्रोवाइड करने में कैपेबल हो जाएंगे। ये एक तरह की ऐसी हीलिंग है जो कोई भी पर्सन कर सकता है, इवन उसके बाद टेलीपैथिक एनर्जी हो, ज़्यादा वो फील कर पाता हो नहीं कि फील कर पाता हो, अगर उसकी थोड़ी सी भी स्थिति अच्छी है तो डेफिनेटली आप इस मेथड का यूज़ करते हैं। 3 स्टेप्स हैं, 100 स्टेप्स हैं, इन 3 स्टेप्स का इस्तेमाल करके आप भी अपनी लाइफ में सक्सेस ग्रोथ प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक, बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अगर इस चैनल पर नए हैं फिर से कहूँगा सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए क्योंकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों कुछ दिनों में अगेन मैं मेडिटेशन कराने वाला हूं, आप भी क्लास में इनवाइटेड हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, हमेशा ही मुस्कुराते रहिए।